अरे दोस्तों एक काम करते हैं, हम सारे लोग मिलकर रोड ट्रिप पे चलते हैं। हाँ भाई बेस्ट प्लान है, मैं कुछ खाने के लिए भी ले आऊंगा। अरे भाई मैं अपने फोन में बढ़िया बढ़िया गाने डाउनलोड कर लाऊंगा। हाँ भाई मजा ही मजा आ जाएगा। बट गाइस हम ना किसी अच्छी सी लोकेशन पर जाएंगे ताकि मैं वहाँ पे पिक्स क्लिक कर सकूँ, रील्स बना सकूँ। अच्छी लोकेशन से ना रील्स बहुत जल्दी वायरल होती है। अच्छा, अरे काम करो हमारे गाँव में चलो। अरे चुप करो ना, बात बात पे हमारे गाँव में चलो। हाँ ठीक है बेबी, किसी अच्छी जगह पे चलेंगे। ओके बेबी, बट गाइस कार कौन लेके आएगा? हेलो आमा, ई बाया ठीक है माँ? दोस्तों मेरी माँ का फोन आ गया, मैं ई बाया है। तो गाड़ी का जुगाड़ हो जाना, मैं तेरे फोन कर दियो। ठीक है माँ, ई बाया सही उल्लू बना दिया इनका। मैं तो अब घर जाके ना रजित रोजा व्लॉग चैनल पे व्लॉग्स देखूंगा, रोज 10 बजे आते हैं, आप सब भी देखना। चलो चलता हूँ। कितना चंट है? चंट तो बहुत है यार, लेकिन गाड़ी कौन लाएगा? अरे भाई मेरी गाड़ी का तो एक्सीडेंट हो गया ना। अच्छा, मैंने ना तेरे पापा के इंस्टाग्राम अकाउंट पे स्टोरी देखी थी, उनने गाड़ी के साथ स्टोरी डाल रखी है और रील्स बना रखी है, लेके मेरी काली काली कार डार्लिंग। अरे भाई मैंने कब बोला, मेरी गाड़ी खराब हुई है ना, मेरे पापा की गाड़ी थोड़ी खराब हुई है। हाँ तो क्या दिक्कत आ रही है, तेरे पापा की गाड़ी खड़ी है ना सही सलामत चमचमाती हुई। मतलब? अबे मतलब ये कि तू अपने पापा की गाड़ी लेके चल, अपने पापा को फोन करके पूछ गाड़ी के लिए। अबे पूछ पूछ जल्दी पूछ। हाँ कर कर जल्दी कर। हाँ हाँ रुको रुको कर तो रहा हूँ। हेलो पापा। अबे उल्लू के पट्टे तू है कहाँ? वो पापा मैं दोस्तों के साथ था। रामजादे निकम्मे, जैसा खुद निकम्मा है वैसे तूने दोस्त निकम्मे बना रखे, जब देखो जब घूमता रहेगा। बोला फोन क्यों किया है? वो पापा मैं और मेरे दोस्त ना रोड ट्रिप का प्लान कर रहे हैं, तो आपकी गाड़ी चाहिए थी। हाँ हाँ क्यों नहीं, एक गाड़ी का एक्सीडेंट करके उसकी ऐसी तैसी मार दी तूने, और अब तेरी नजर मेरी गाड़ी पे है, उसकी भी ऐसी तैसी मार दे तू। ओके पापा। क्या ओके पापा, रामजादे तू घर आ, तेरे को बेल्ट और चप्पलों से नहीं पीटा ना तो मैं भी तेरा बाप नहीं। फोन रखा। देख भाई कहा था ना एक्सीडेंट हो रखा है गाड़ी का, मुझे घर से गाड़ी नहीं मिलने वाली, पापा की गाली और सुनवा दी तुम लोगों ने। तो यार अब कार लेके कौन आएगा? मेरे को क्या देख रहे हो यार, मेरे पास कार वार नहीं है, मेरे पास बाइक है। बाइक पे अगर रोड ट्रिप पे चलना है तो बताओ, और आना को टंकी पे बिठा देंगे। अरे पागल हो गया क्या, बाइक लेके रोड ट्रिप पे जाएगा? भाई देखो ना तो मेरे पास गाड़ी है और ना मेरे पास रोड ट्रिप पे जाने के पैसे हैं, जो पैसे मैंने सेव करे थे वो सारे बाइक ठीक कराने में चले गए यार। अरे बस इतनी सी बात, तू चिंता मत कर यार, मेरे पास ना एक ऐप है जिससे तू पैसे अर्न कर सकता है। सच में? हाँ भाई। बताना भाई अरे कौन सी ऐप है? भाई ऐप का नाम है Forex by OctaFX। ये कौन सी ऐप है? भाई Forex by OctaFX एक ट्रेडिंग ऐप है जिसमें तेरे को कमीशन पे करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह यार नो कमीशन, ये तो बढ़िया है, पर यार मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं। अरे यार अब सुन तो रहा है, और तुझे पता है रिसेंटली इस ऐप को बेस्ट फोरेक्स ट्रेडर का अवार्ड मिला है, और उससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये दिल्ली कैपिटल्स का न्यू प्रिंसिपल स्पॉन्सर है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है यार, पर मेरे को ट्रेडिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मैं इसको यूज कैसे करूंगा? यार भाई तू इस चीज की चिंता भी मत कर, OctaFX प्रोवाइड करता है एजुकेशनल कोर्सेज और वेबिनार्स, डेमो अकाउंट और टेलीग्राम सिग्नल जहाँ पे ट्रेडिंग एक्सपर्ट ट्रेडिंग के सिग्नल शेयर करते हैं, जिससे तू बिना किसी झंझट के सब कुछ आराम से सीख सकता है। अरे वाह यार ये तो अमेजिंग है, मैं ऐप पक्का डाउनलोड करूंगा। हाँ भाई जल्दी डाउनलोड कर ले, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, और मेरा प्रोमो कोड यूज कर लियो Rachit100, जिससे तेरे को तेरे डेमो अकाउंट में 5000 USD मिलेंगे, और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। यार चलो ऐप तो मैं डाउनलोड कर लूंगा, पर ये बताओ अब गाड़ी लाएगा कौन? अरे यार तुम सब ऐसे क्या देख रहे हो मेरे को, मेरे पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है। अरे भाई तूने तो कल स्टोरी डाली थी अपनी नई कार की, कल ही तो आई तेरी नई कार, स्टोरी भी डाल रहा था, इंस्टाग्राम पर रील भी बना रहा था, XUV 700। हाँ हाँ नई कार। चलो भाई डन हो गया गाड़ी का जुगाड़, तू नहीं होता ना भाई गाड़ी का जुगाड़ नहीं होता। चलो भाई चलो। ठीक है भाई ले आइयो कल गाड़ी। अरे ठीक है भाई डन डन, कल गाड़ी टाइम पे ले आइयो। ठीक है। अबे तू कहाँ से आ गया? अरे गाइस मेरी बात तो सुनो यार, मम्मी पापा गाड़ी देने के लिए बिल्कुल नहीं मानेंगे। अरे तो दादी को मनाना, दादी मान गई तो सब मान गए। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ।
आज तो मजा आएगा रोड ट्रिप पे जाके। लेकिन यार मैं लेट हो गया, सबको 5 बजे का कॉल टाइम दिया था और 7 बज चुके हैं। लेकिन यहाँ तो अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा। मैं ही पहले पहुंच गया, फोन करके पूछता हूँ कहाँ है। अरे कहीं निकल तो नहीं गए मेरे बिना। लेकिन नहीं निकल भी नहीं सकते, गाड़ी तो यहाँ खड़ी है, बिना गाड़ी के कहाँ चले जाएंगे। फोन करता हूँ यार। मुझे पता है, मुझे पता है, ये लोग कभी टाइम पे नहीं आ सकते। कभी कोई टाइम पे नहीं आता इन लोगों में। वैसे गाड़ी आज चमक रही है, चलो सामान रख लेता हूँ। चोर, अरे कोई बचाओ, मेरी गाड़ी में दिन दाड़े चोर घुस गया। चोर 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 चोर, पकड़ो भाई, चोर चोर। मामा आप? अरे भांजे पूरी नींद खराब कर दी, कहाँ है चोर बता, अभी भाग के पकड़ता हूँ उसको। अरे मामा कहीं नहीं है चोर, मैं आपको बोल रहा हूँ चोर। भांजे तुझे शर्म नहीं आती? बिल्कुल शर्म नहीं आती, अपने सगे मामा के ऊपर तो चोरी का इल्जाम लगा रहा है। अबे मुझे देख देख, ध्यान से देख, तुझे किस एंगल से मैं चोर लगता हूँ? देखने में तो चोरों के भी गुरु लगते हो। अरे खैर मामा ये सब छोड़ो, चोर तो मैं हूँ, मेरी शक्ल पे चोर लिखा है, मैं किसी और की गाड़ी में सो रहा हूँ बिना बताए उसको, है ना। अरे भांजे तू हमेशा बोलता रहता है ना, मामा तुम हमेशा लेट आते हो लेट आते हो, तो मैं इस बार रात को ही आ गया, ऊपर गया, चाबी ली और अंदर आके गाड़ी में सो गया, और सबसे पहले आया हूँ मैं यहाँ पर, और अब मुझे कोई भी नहीं टोक सकता कि मामा तुम लेट आए हो। अच्छा जी, लेकिन मैंने तो आपको इनविटेशन ही नहीं दिया, आप तो प्लान में इंक्लूड ही नहीं हो। अरे भांजे तेरे घर में क्या चल रहा है ये तेरे से ज्यादा मुझे पता है, तेरी काम वाली किस टाइम आती है किस टाइम जाती है ये मुझे पता है, मोटर चला के किस टाइम पानी भरते हो ये भी मुझे पता है, और यहाँ तक कि मुझे तो ये भी मालूम है तो ब्रश कब करता है और पोटी कब करता है। अरे छी मामा छी, कैसी बातें कर रहे हो मामा। और ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो ये भी पता है कि तू सुबह जल्दी आने के चक्कर में रात को नहा के सो गया था। अरे लोकेश यार आ गया तू, भाई कितना लेट कर दिया तूने यार आने में। अरे भाई रचित मारी भैंस वापस परानी है ना यार, वो दूध देने नका नहीं कर रही थी, उसका दूध कट लो मार होगी मैंने। अच्छा ये सब तो ठीक है, तेरा सामान कहाँ है और ये क्या लाया तू अपने साथ, इसमें क्या दूध लेके आया है? अब पागल है तू, इसमें दूध लाऊंगा मैं, इसमें मेरी माँ ने देसी घी का चूरमा दिया है। बोली बेटा ट्रिप पर जा है, एकला एकला खा लिया और गणा का है ना रचित दे दिए, वो शाना बालक है। ओए होए देसी घी का चूरमा, ट्रिप के साथ साथ खाने का भी स्वाद आ जाएगा। ओ तेरी की यू मामा कितना गया? अरे मामा भी हमारे साथ जाएंगे। ओ भाई क्या बात कर रहा है तू, ये बुड्ढा हमारे साथ ट्रिप पे जाएगा? अरे मामा तेरी भी कभी शर्म बहादरी के बच्चों के साथ ट्रिप पे जाएगा? भाई मैं इन बुड्ढों के साथ ना ट्रिप पे नहीं जाने वाला, आई बात समझ में? तो बुड्ढा होगा तेरा बाप। मेरा बाप तो बुड्ढा है, तेरा बाप जवान है के? पर तेरे मोहल्ले की लड़कियां ना तेरे से ज्यादा मुझ पर मरती हैं, और मेरी जवानी के चर्चे जानने हो ना तो तेरे मोहल्ले की लड़कियों से जाके कांटेक्ट कर लियो। अरे मामा तेरे पे नहीं मरती, तेरे पादों से मर जाती है वो, तूने हिंगोलियां ज्यादा खा ली, तेरे सिर में चढ़ गई वो। हां जी इसको समझा दो, मैं छोड़ दूंगा इसको। अरे यार शांत हो जाओ यार, क्यों लड़ रहे हो यार, जब देखो लड़ाई करते रहते हो, यहाँ पे लड़ाई करने आए हो ट्रिप के लिए आए हो? ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ वो आना और उसका आशिक कहाँ है? आना किधर है? अरे कहाँ गई? कौन वो इंस्टाग्राम मॉडल इन्फ्लुएंसर? अरे वो तो रील बनाती भी आ रही होगी, ले वो देख, वो लगे पड़े। अरे ओ प्रेमी जोड़ा, वहां क्या कर रहे हो, इधर आओ। चलो बेबी चलो जल्दी चलो। वहां क्या कर रहे हो यार, ट्रिप पे जाना नहीं जाना? भाई हम तो सुबह ही आ गए थे। अच्छा फिर बताया क्यों नहीं किसी को? भाई किसको बताते, कोई था ही नहीं यहाँ पे, तो मैंने सोचा मैं अपनी बेबी की रील्स बना लूं और कुछ फोटो क्लिक कर लूं। ये इतना सारा सामान तेरा? भाई मेरा तो एक ही बैग है, बाकी सब तो मेरी बेबी का है। ओ कम ऑन गाइस, इन सारे बैग्स में मेरी ट्रिप की ड्रेसेस है, अब एक फोटो और एक रील के बाद मुझे चेंज तो करना पड़ेगा ना। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन गाइस, आई एम अ इंस्टाग्राम मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर एंड आई हैव 1 मिलियन फॉलोवर्स गाइस, फॉरगेट इट, तुम लोग नहीं समझोगे। बैग्स रखो मेरे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, यश कहाँ है? अरे यार उसका फोन आया था मेरे पास, उसने मना कर दिया वो नहीं आएगा।
अच्छा यार गाइस, अब डिसाइड कर लो कौन कहाँ बैठेगा। मैं आगे बैठूंगी, वो एक्चुअली मुझे वोमिटिंग की प्रॉब्लम है ना, इसलिए मैं पीछे नहीं बैठ सकती। बट बेबी मैं कहाँ बैठूंगा? आप पीछे बैठ जाना या फिर मेरे साथ आगे। ये भी बेस्ट आइडिया है, मैं आपके साथ ही बैठूंगा। ओए क्या बेस्ट आइडिया है, मैं यहाँ से नहीं उतरने वाला, और तुम दोनों ना अपने आप को ज्यादा चतुर मत समझा करो। अबे मामा आगे बैठूंगा मैं, पता है लटकी वाले क्या रखा हुआ है, जो ज्यादा बोलेगा ना तो घुमा घुमा के मारूंगा। आई बस समझ में? ओए क्या घुमा घुमा के मारेगा, क्या घुमा घुमा के मारेगा। अरे शांत हो जाओ यार, क्या करते रहते हो दोनों, जब देखो जब लड़ते रहते हो, यहाँ पे लड़ने के लिए आए हो क्या? और मेरी बात सुनो सारे तुम, मामा ना आप आगे बैठोगे, ना तू आगे बैठेगा, ना तू आगे बैठेगी और ना तू आगे बैठेगा। तो फिर कौन बैठेगा? क्योंकि आगे मैं बैठूंगी। दादी 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 बुढ़िया दादी। अरे यार ये बुढ़िया कहाँ से आ गई? अरे मामा जुगर तू आ गया ना, नहीं वो दादी आ गई। अरे टपकी ऐसी तैसी कर देगी, ऐसी तैसी होगी तेरी, दादी ने तो हम फिर भी संभाल लेंगे। आ जाओ दादी आ जाओ। दादी कैसे? दादी कैसे यार, तुम लोगों ने ही बोला था कि जाके दादी से बात करो, दादी को मनाओ गाड़ी के लिए। अब दादी तो मान गई, लेकिन दादी की एक शर्त है, दादी साथ चलेगी अब हमारे। चलो हटो सारे, और पप्पू तो निकल बाहर। जाओ दादी बैठो आप। चला हुआ निकल हट। अब मैं कहाँ बैठूं? मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं पीछे नहीं बैठूंगा यार, इतना हट्टा कट्टा हूँ मैं, वहां फिट ही नहीं आऊंगा। अब मैं भी नहीं बैठूंगा पीछे, मैं ठहरा बॉडी बिल्डर आदमी, ये सुकड़े सुकड़े बैठेंगे पीछे। मैं भी नहीं बैठूंगी पीछे। हाँ तो फिर पीछे बैठेगा कौन? चलो अब। अरे क्या चलो, ये जो तुम्हारा सामान रखा है सबका बाहर, इसको कौन लेके जाएगा, इसको अंदर रखो। अरे अरे रचित भांजे, और रख देना मेरा बैग पीछे डिग्गी में। वाह मामा वाह, गाड़ी मेरी, दादी को भी मैं मनाऊं और अब सामान भी मैं रखूं। मैं नहीं रख रहा, रख लो खुद। अरे भांजे रख देना, दादी आप ही कुछ समझाओ ना रचित। बेटा तू ही रख दे, बहुत लेट हो रहा है पहले ही, तेरे को मालूम है तेरा मामा एक नंबर का आलसी और लीचड़ है, ये तो उठेगा ही नहीं, तू ही रख दे सामान। अच्छा रख देता हूँ। तो चलो गाइस अपनी रोड ट्रिप होती है स्टार्ट। Yes! सारे बोलो जय माता दी। जय माता दी। यार तुम गड्डू पर से क्यों चला रहे हो, मुझे बहुत जोर से पी आई है, प्लीज साइड में लगाओ। पी आई है? अरे निकाल लो बोतल, पी लेते हैं। अरिजीत भाई साइड में लगा लेना, पी लेंगे। अबे क्या बात होगी, मैंने कोई जोक सुना दिया क्या है? क्यों हंस रहे हो? अबे बेवकूफ, पी का मतलब होता है सुसु, इसका सुसु पिएगा तू। ची, 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 ची। अरे बेटा अभी तो हम निकले हैं, थोड़ी देर कंट्रोल कर ले, कोई अच्छी जगह मिलेगी तो रचित बेटा रोक लेगा, है ना बेटा? हाँ दादी ठीक है। अरे बाबा इतनी बदबू कहाँ से आ रही है गाड़ी के अंदर, नाक सड़ गई मेरी तो। हाँ दादी मुझे भी बहुत बदबू आ रही है। हाँ ना कहीं तूने गाड़ी के अंदर तो पी नहीं कर दी। अबे तेरे को ए बी सी डी पी जो भी कुछ करना ना गाड़ी से बाहर जाके करियो। ओ भाई रुक, मैं गाड़ी से उधर रहा हूँ। यार लोकेश तुम पागल हो क्या, यार तुम कहाँ से लेके आए इस गवार को, मैं लड़की हूँ, लड़कों की तरह कहीं भी कुछ भी नहीं कर दूंगी। ओ भाई तू गाड़ी रोक, मैं उतर रहा हूँ यार। अरे रुक जा रहा यार लोकेश, समझ नहीं आ रहा यार इतनी बदबू आ कहाँ से रही है। अरे मामा क्या कर रहे हो यार, सारे अपनी विंडो ओपन करो जल्दी। अरे सांस नहीं आ रही, कैसा मामा है रे तेरा, तेरी माँ से दहेज में गाड़ी मांगी थी, गाड़ी तो आई नहीं, ये पाद मारे मामा को ले आई साथ में।
तब से भुगत रहे हैं इसको। निकलो बाहर सारे। अरे यार बाहर निकलो, सारे बाहर निकलो, चलो चलो चलो। अरे यार कितने ज्यादा फिल्मी है ये बंदे, इतनी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, एक पारी तो मारा है। इट्स नेचुरल यार। यार गाइस मुझे ना बहुत जोर से पी आ रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है और ना मुझे ओवर वॉमिटिंग फील हो रही है, प्लीज चलो ना, एक बार क्या क्या करूं मैं। अरे तू एक काम करना, सब कुछ मुंह से निकाल दे, वॉशरूम जाने की जरूरत नहीं। अरे ऐसे क्या देख रही है, सब कुछ ऊपर से निकाल दे ऊपर से। अरे सच कह रहा हूँ मैं। अरे ओ भाई तू चुप कर, तेरी एडवाइस भी तेरे जैसी है बिल्कुल। आना अभी ना पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो वहाँ पे तेल तो डलवाना है ही, वहाँ वॉशरूम भी होगा तो तू वहाँ वॉशरूम यूज कर लियो यार, तू टेंशन मत ले, तू इसकी मत सुनिए बेवकूफ है। चलो बैठो गाड़ी में। चलो शुक्र है भगवान का, अभी सांस में सांस आई, मैंने तो ये मास्क लगा लिया, जान बची रही। मामा देख लो तुम्हारी वजह से क्या क्या हो रहा है। ओए गवार हट सामने से, मुझे वॉशरूम जाना है। अब मैं हट सामने भी ना आऊं। चलो यार इतने ये आना वॉशरूम से आ रही है ना, मैं गाड़ी की टंकी फुल करवा लेता हूँ। अरे भैया। हाँ जी सर। ये गाड़ी की टंकी फुल कितने रुपए की होगी? 4,500 में होगी सर। कैब खोलो सर। मीटर चेक कर लो जी। चलो फिर निकालो सारे पैसे। चलो भाई अब तो चलते हैं, गाड़ी की टैंकी तो फुल हो गई। अरे पर आना तो रह गई। हाँ हाँ वो तो आई नहीं। अच्छा तो मेरे सामने नौटंकी कर रहे थे सारे, दादी से तेज चलोगे? चलो चलो निकालो फिर सारे कंट्रीब्यूशन के पैसे। वाह बेटे वाह, निकालो फिर, कौन पैसे निकाल रहे, लाओ। अरे दादी निकालेगी ना, दादी बड़ी है ना। हाँ दादी बिल्कुल, मामा ने छोटा का सही बात करी है। बिल्कुल बिल्कुल, दादी बड़ी है ना तो बड़ी दादी। अच्छा बेटा गाड़ी भी मेरी, पेट्रोल भी मैं ही डलवाऊं, तो मैं ऐसा करती हूँ मैं अकेले ट्रिप पे चल जाती हूँ गाड़ी लेके, तुम लोगों को यहीं छोड़ के मैं और मेरा पोता हम दोनों घूमने जाएंगे अकेले। दादी मुझे भी तो साथ ले चलो ना, मैं भी तो आपके ही घर का हूँ। ओए तुम अरे घर का नहीं है, तू दहेज का माल है, निकल यहाँ से। दादी हम भी तो तुम्हारे पोते जैसे हैं, हमारा भी ख्याल करो थोड़ा सा। पोते जैसे हो, पोते तो नहीं हो ना, पोता तो मेरा एक ही है, हीरे जैसा रचित। निकलो सब यहाँ से, उतरो। लो लोकेश पैसे निकाल, चल फटाफट दे। अरे मामा मेरी छोड़, तू पहले अपने पैसे काट। अबे कौन है? अरे गेट खोल देख, मेरी बेबी आई हुई है, गेट खोल। बेबी का बेबा। ओ मामा पहले तू दे, पहले तू दे। अबे तू दे, तो मैं घर का हूँ, पहले तू दे। घर का सांप। अरे अरे वेट गाइस वेट, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। अच्छा कुछ ज्यादा खास प्रॉब्लम नहीं है, पेट्रोल के पैसे मांगे थे। अच्छा पैसों के लिए लड़ रहे हो क्या, पहले बताना था तो लड़ो लड़ो। गाइस देखो मेरी बात सुनो, हम लोग सारे मिलकर रोड ट्रिप पे आए हैं और अगर पैसे खर्च होएंगे ना तो मैं अकेला नहीं करूंगा, सारे लोग मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे पैसे। कंट्रीब्यूट करने का मतलब सारे बराबर पैसे देंगे। चलो पैसे निकालो अब। हाँ ये ठीक है, ला भाई पैसे निकाल, चल तू भी निकाल। दे ना लोकेश पैसे दे, तू भी दे फटाफट जल्दी आना, चल पैसे निकाल।
अरे यार तुम्हें कहाँ, तुम मुझे लाओ, लाओ मुझे दो, मुझे दो। आना कितने पैसे हो गए टोटल? मुझे मिला के 4,000 और तुझे और दादी को मिला के 6,000 हो जाएंगे। 6 नहीं 5। मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी क्योंकि गाड़ी मेरी है और वैसे भी मैं रचित एक टीम में ही है। दादी मैं भी तो आपकी टीम का हूँ। अरे मामी तेरे को मेरे से बार बार बेइज्जती करवाने में मजा आता है क्या? अरे कोई नहीं भाई, 6 नहीं तो 5 बंदे कॉन्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब दादी आई है, दादी को तो भुगतना पड़ेगा ना। चल आना पे कर दे अब। अबे ओ, ये सारे पैसे तूने अपने पर्स में क्यों डाल लिए? अरे रुक जाना। ए मामा नीचे करो विंडो। भैया बार कोड दिखाना, मैं पेटीएम करूंगी। चलो घूर क्या रहे तुम लोग मुझे ऐसे? अब मैं अगर तुम लोगों को पहले बता देती कि मैं पेटीएम करूंगी तो तुम लोग मुझे बाद में पैसे देते? मुझे पता है कोई भी मुझे वापस नहीं देता। और मुझे मेकअप किट भी तो लेनी है ना अपनी 2 लाख रुपए की। वो सपना मेरा सपना ही है। अबे वो ड्रामा क्वीन, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर। अब आ जाएगी तेरी मेकअप वाली किट। चले अब। अबे वो आना, ये तेरे कपड़े कैसे चेंज हो गए भाई? ओ अच्छा, ये वो एक्चुअली वॉशरूम की लोकेशन ना थोड़ी सी अच्छी दिख रही थी तो मैंने ना वहाँ पे फोटोज खींच ली, रील्स बना ली और एक ड्रेस में इतनी सारी वीडियोस हो गई थी तो मैंने सोचा मैं चेंज कर लेती हूँ, अब मैं इसमें बनाऊंगी। कैसी लगती है? अरे यार गाइस कितनी बोरिंग ट्रिप जा रही है यार, गाने वाने चलाओ यार, थोड़ी फील आनी चाहिए ट्रिप वाली। ओ भाई गाने चल लेंगे, सपना चौधरी के चल लेंगे, ठीक है? चल रचित, गाने चलेंगे तो सिर्फ नूरा फतेही के चलेंगे और हाई गर्मी तो बिल्कुल जरूर चलेगा। अरे तुम दोनों थोड़े पागल पागल हो गए हो क्या? गाने चलेंगे तो सिर्फ इंग्लिश गाने चलेंगे, हिपस्टर फ्लाई। अरे बेबी, अरे काम करते हैं ना, आज की 2 के सॉन्ग चलाते हैं। अरे प्यारे, अबे ओ, ये अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओ। यहाँ पे गाने चलेंगे ना तो सिर्फ पंजाबी गाने चलेंगे। आए बड़े, अभी चलाता हूँ गाने। गाने तो मैं चलाऊंगी। अरे पर दादी आप क्यों चलाओगे? क्यों, गाड़ी किसकी है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये तो सबके सब सो गए, मुझे भी नींद आ रही है। सो गया ये जहां, सो गया आसमान, सो गया ये जहां। अरे चित तू क्यों सो रहा है, गाड़ी चलाने पे ध्यान लगा। अरे दादी वो सब लोग सो गए थे ना तो मुझे भी नींद आ गई। अरे तू सो जाएगा तो कैसे चलेगा, तेरे सोने के चक्कर में तो हम सब परमानेंटली सो जाएंगे। दादी देखो बात ऐसी है, मैं थक गया हूँ गाड़ी चलाते चलाते, अब मैं नहीं चला रहा, मैं पीछे बैठूंगा आराम से। तो ठीक है बेटा, ये पप्पू किस काम आएगा, खाली बैठा है ये चलाएगा गाड़ी। दादी मैं नहीं चलाऊंगा गाड़ी, मैं आराम से बैठा हूँ यहाँ पर। ओए तेरे को सिर्फ ट्रिप पे पार मारने के लिए लाए हैं, कुछ काम भी तो करेगा। पर दादी। अच्छा चुप, अब तू मेरे से जबान लड़ाएगा? ए बुढ़िया, दादी ये बैग पकड़ो अपने पास। पप्पू कहीं के गाड़ी चला भी ले। हाँ चल रहा हूँ। यार कहाँ फंस गया मैं, अच्छा खासा पीछे बैठ के मजे मार रहा था, यहाँ गाड़ी चलानी पड़ रही ड्राइवर की तरह, सब इस बुढ़िया की वजह से। इसी लायक है तू? यार सही है, आराम से बैठो, जब से गाड़ी चला चला गया यार परेशान हो गया मैं। अच्छा आना यार तेरे फोन में लूडो है क्या? हाँ। चल फिर चलाना, लूडो खेलते हैं।
यार ये लूडो बोरिंग लग रहा है, एक काम करते हैं सारे मिलके अंताक्षरी खेलते हैं। चलो शुरू करो अंताक्षरी, लेके प्रभु का नाम, बैठे बैठे हो गए बोर, करना है कुछ काम। मैं से गा भैया, आना तू गा। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। गा गा, कैसे गा लोकेश, कैसे गा, कैसे कैसे अब गाना। ओ हाँ, ओ कछु बन पानी न चली बादर गड़का बंबे। अबे एक गाना गाना कोई ढंग से। गजबन पानी न चाली, भाई तेरी बारी ई से गा। इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर चढ़ जाऊंगा। हाय हाय क्या बात है, आज की में मरेगा तू। नजर छोड़ जाऊंगा, आ आ से आया मेरा है ना, आ से हाँ, आ की जगह ऐसे गा सकता हूँ, ऐसे यार एक ही तो बात है, आ हो ए हो, एक ही बात है यार, आ ही तो है। ए बिड्डा ये मेरा अड्डा, दम दम दम, ए अड्डा, ए बिड्डा ये मेरा अड्डा, दम दम दम, खुला है मेरा पिंजरा, आ मेरी मैना चुरा ना ऐसे अखियां लड़ने दे नैना। बेशरम आदमी कहीं का, अरे दादी क्यों मारा, तू है इसी लायक, कैसे कैसे गाने गाता है। यार 2 मिनट गाड़ी साइड में लगाओगे प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे ना जूजू आ रही है। अबे यार ये कितना मुंह देगी है, कितनी बार जा चुकी है। अबे ओ मैं ना पानी पीती हूँ ज्यादा, ताकि मेरी स्किन ग्लो करे, और अगर ज्यादा पानी पीऊंगी तो मुझे सूसू भी तो ज्यादा आएगी ना बेवकूफ। रोको गाड़ी साइड में लगाओ, अब बाहर निकलोगे। आ रही हो, चलो चलो पप्पू मामा। बड़ी जल्दी आ गई, पूरा 1 घंटा लगाया तूने। वो दादी एक्चुअली ना मुझे लोकेशंस बहुत अच्छी मिल रही थी, तो मैं ना रील्स बनाने लग गई, तो टाइम का पता ही नहीं चला मुझे। अबे यार तू सही में ना परेशान कर रही है जब से आई है, कैसी लड़की यार तू, कहीं तेरे को गलत उठा के तो नहीं ले आए हम। अरे रे 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 यार मामा 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 गाड़ी रोको ना यार, वो कितनी अच्छी लोकेशंस है, मैं ना रील बनाऊंगी। अबे रुक जाना यार, कभी तेरे को वॉशरूम जाना है, कभी तेरे को रील्स बनानी है, कहीं तो शांत बैठ जा। इतनी आग लगी ना रील बनाने की, ला फोन दिखा, यहीं बनाता हूँ गाड़ी में। चल 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 बना बना, ला दिखा। आ नहीं अच्छी नहीं है, एक और एक और एक बार एक बार ला दिखा, एक बार इंस्टाग्राम पे आए बड़ा। और मामा मैं ना आपके साथ भी रील बनाऊंगी, आपने अपना वो पाद वाला साउंड इफेक्ट देना, ओरिजिनल वाला। हाय अरे मामा क्या तबाही मचा रखी है आपने। अरे तबाही छोड़ो यार, ये बताओ कि जाना कहाँ है, तब से गाड़ी लेकर रोड पे घुमवाए जा रहे हो, मेरे से ड्राइवर बना दिया। यार वो तो तुम लोग डिसाइड करोगे ना, मेरा काम तो गाड़ी लाने का था। मुझे पता है कहाँ जाना है। कहाँ जाना है? सीधे इसी रोड पर।
अरे दादी सीधे सीधे जाएंगे तो पाकिस्तान आ जाएगा ना। हाँ तो बेटा वही तो है तुम्हारे दादा का पुराना घर। एक बार तुम्हारे दादा मुझे पाकिस्तान की ट्रिप पर लेके गए थे, मैं तो वापस आ गई पर वो नहीं आ पाए। फिर दादी आप वापस कैसे आए? अरे बेटा बजरंगी भाईजान पिक्चर देखी है ना तूने, तारों के नीचे से आ गई मैं। अरे यार दादी ना मजाक कर रही है। दादी मजाक मत किया करो यार, मुझे पता है हमें कहाँ जाना है। यहाँ से थोड़ी दूर चल के ना एक अच्छा सा रिजोर्ट है और वहाँ पे थोड़े से पहाड़ वगैरह भी है, तो हम सारे लोग वहीं पे जाएंगे, एक रात का स्टे करेंगे, पूरी रात मस्ती करेंगे, पार्टी करेंगे और फिर सुबह वापस आ जाएंगे, हमारी अच्छी सी रोड ट्रिप हो जाएगी, है ना? डन 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 डन। चलो चलो फिर चलते हैं। ओए पप्पू चल तू गाड़ी चला जल्दी। चला तो रहा हूँ दादी। ध्यान रख सड़क पे। Silhouettes of you are like a taunt. Never really. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. गाइस फाइनली पहुंच गए हम, मजा आया भाई पूरी ट्रिप पे। भाई यही है वो जगह जहां हमें आना था और रात को स्टे करेंगे, पूरी रात पार्टी करेंगे और सुबह निकल लेंगे और हमारी ट्रिप हो जाएगी पूरी। ई गड्डंगे डलठे ई बाऊगा असली मजा। हां वैसे ही मैं थक गया था यार गाड़ी चला चला के, आखिरकार हम सही जगह पहुंच गए। अच्छा रजी तू अब एक काम कर, जाके गाड़ी से बैग निकाल के ले आ यार। हां हां जल्दी से मेरा भी सामान ले आ, मुझे ना यहां पर फोटो खिंचवानी है और रील्स बनानी है। आप बनाना, अभी लाता हूं। हां जा। लो भाई ले आया मैं तो सामान। रचित हमारा सामान कहाँ है? अरे मेरा सामान किस है? रचित मेरा बैग कहाँ है यार? भाई अपना बैग जाके देख लो कहाँ है, मेरे को क्या पता। रचित सामान कहाँ है हमारा? तुम्हें नहीं पता तुम्हारा सामान कहाँ है? अरे अरे रचित भांजे, और रख देना मेरा बैग पीछे डिग्गी में। अच्छा रख देता हूँ। मतलब तू हमारा सारा सामान वहीं छोड़ के आ गया, अब बिना कपड़ों के बिना सामान के हम ट्रिप पे करेंगे क्या? मेरी इतनी सारी ड्रेसेस तुम सारी वही छोड़ा है, मैं चेंज कैसे करूंगी, रील्स कैसे बनाऊंगी, मेरे 1 मिलियन से 2 मिलियन कैसे होंगे? तेरे को तो मैं खिलाऊंगा चूरमा देसी घी का। और लो मेरे पोते से पंगे, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, गाड़ी भी मेरा पोता लाए, पेट्रोल भी वही भराए, गाड़ी भी वही चलाए, और तो और होटल का बिल भी मेरा पोता भरे, और तुम सब मजे मारो। रचित बेटा तुमने बिल्कुल ठीक किया इनके साथ, ऐसा ही होना चाहिए। तेरे को तो मैं नहीं छोड़ूंगा रचित के बच्चे। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time, no. Ab dam hai to pakad ke dikhao mere pote ko. Damn if you say you disapprove, I'm gonna make my move, I'm gonna... Khatam, bye bye, tata, goodbye, gaya. Hello guys, to iska second part chahiye video ka. अगर चाहिए ना तो इस वीडियो पे 1 लाख लाइक्स कर दो।
इस बार छोटा टारगेट है तो जल्दी से इसको पूरा कर दो। और ये नहीं है कि आप 1 लाख लाइक करने में 10 दिन 20 दिन लगाओगे, 1 हफ्ते के अंदर 1 लाख लाइक कर दो। इसका सेकंड एपिसोड लेके आऊंगा और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हो। पसंद आई है ना तो लाइक जरूर करो और कमेंट करके इस पूरी वीडियो से अपना फेवरेट पार्ट बताओ और सबसे जो आपको फनी या सबसे एंटरटेनिंग पार्ट लगा वो कमेंट करके मेरे को बताओ। जल्दी से कर दो यार, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। देख रहे हो कितनी बड़ी वीडियो थी, बहुत मेहनत लगी इसमें, पूरी इतनी भरी गर्मी में ये शूट हुआ है। और गाइज मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे डेली ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे, सुबह 10 बजे डेली ब्लॉग आते हैं। बाकी इस वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल कहीं नहीं जाना आप लोगों को। बाकी बहुत जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ। और गाइज डाउनलोड कर लो ओक्टा FX 4X ऐप को, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, और मेरा प्रोमो कोड यूज करो Rachit100 और पाओ $5,000 आपके डेमो अकाउंट में। तो चलो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, और भाई ऐसे सपोर्ट करते रहो। बाय बाय बाय, लव यू, बाय।